हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे आरआर केबल्स आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज आरआर केबल्स आईपीओ का पहला दिन था। पहला दिन कैसा रहा, कितना पैसा निकल कर आया पहले दिन, क्या आईपीओ पूरा भर पाया, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। करेंट ग्रे मार्केट कितनी है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये आईपीओ पैसा बना भी पाएगा एक इन्वेस्टर का। तो वीडियो को पूरा दोस्तों ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आरआर केबल आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और ये आईपीओ 15 सितंबर तक ओपन रहेगा। चल दोस्तों, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो दोस्तों, कंपनी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड करती है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स ये देती है, जिसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पजेस के लिए। कंपनी बेसिकली दो मेजरली सेगमेंट्स में काम करती है। वो दो मेजर सेगमेंट्स क्या है, पहला है वायर्स और केबल्स का, जिसमें कंपनी हाउसिंग वायर्स, इंडस्ट्रियल वायर्स, पावर केबल्स और स्पेशल केबल्स के अंदर काम करती है। और सेकंड है एफएमईजी के अंदर फैंस, लाइटिंग, स्विचेस, अप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें आती है। तो इन दो सेगमेंट्स के अंदर ही बेसिकली कंपनी का आपको कारोबार देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जो आईपीओ है वो आज से ओपन हो चुका है और ये आईपीओ 15 सितंबर तक तो ओपन रहेगा। कंपनी दोस्तों प्राइस बैंड रखा है करीबन 1035 रुपीज़ पर शेयर का, यानी आपको एक शेयर कितने का मिलेगा, 1035 रुपये का। और ये बात ध्यान रखें, कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को भी अपर प्राइस बैंड पे ही शेयर्स बेसिकली दिए हैं, ऐसा नहीं कि उनको लोअर प्राइस बैंड पे दिया है, 1035 पे ही शेयर्स बेसिकली एलोकेट किए गए हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो कंपनी ने लॉट है वो करीबन 14 शेयर्स का रखा है। अब ये आईपीओ काफ़ी बड़ा आईपीओ, मतलब हाल फिलहाल में इतना बड़ा कोई आईपीओ आया नहीं। 1964 करोड़ का दोस्तों ये पूरा इशू होने वाला है, जिसमें से 180 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और बाकी का ऑफर फॉर सेल रहेगा 1784 करोड़ का। यानी ऑफर फॉर सेल काफ़ी बड़ा है, फ्रेश इशू बहुत कम है, यानी 180 करोड़ का ही फ्रेश इशू है, यानी ज़्यादा पैसा कंपनी के पास जाने नहीं वाला है। इसमें दोस्तों कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा है करीबन 98 रुपीज़ पर शेयर का, और इसकी लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पर होने वाली है। अब इसमें सबसे तो बात करता हूँ रिजर्वेशन, यानी कितना कितना शेयर्स कितना ऑफर किया गया है। तो दोस्तों, इसमें एंकर इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी 30% ऑलमोस्ट जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिया गया है, 29.82% टू बी प्रिसाइज। इसके बाद 19.88% QIBs को दिया जाएगा, उसके बाद HNIs को 14.91% दिया जाएगा, रिटेल कैटेगरी को 34.79% ऑफ द इशू मिलने वाला है और कंपनी के एम्प्लॉयज को 0.61% ऑफ द इशू मिलने वाला है। तो इस तरीके से 100% पूरा ये कह सकते हैं कंपनी ने शेयर्स बांटे, जिसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो डेफिनेटली रिटेलर्स का है, लेकिन अगर आप QIB एंकर्स को साथ में गिनते तो 50% उनके लिए ऑफर रखा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कितना पैसा रिसीव हुआ है पहले दिन। तो पहले दिन एंकर इन्वेस्टर्स को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन QIBs पे आते हैं तो QIBs ने आज पहले दिन 0.00, यानी आप कुछ सोच रहे हैं इतना कम, तो इसका मतलब ये है कि आज जो QIBs की तरफ से पैसा आया है वो 1% भी भरने में कामयाब नहीं हो पाए। ओनली 7084 शेयर्स के लिए बिट बेसिकली रिसीव हुई है, जो करीबन 73 लाख होता है, मतलब आज 1 करोड़ की भी एप्लीकेशन आरआर केबल्स के अंदर नहीं आ पाई। बट ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि QIBs का पैसा फर्स्ट सेकंड डे ज़्यादा निकल के नहीं आता है, थर्ड डे मेनली QIBs पैसा लगाते हैं, लेकिन हाँ ये है कि सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे QIBs का काफ़ी लो रहा। इसके बाद दोस्तों आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स पे। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने पहले दिन 29% इस इशू को भरा है, यानी कुल मिला के 84.85 करोड़ की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, मतलब इसका अमाउंट इतना, जिसमें जो बिग HNIs उनके द्वारा करीबन 24% पैसा आया और स्मॉल HNIs की तरफ से 39% पैसा निकल कर आया है। इसके बाद दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी। तो रिटेल कैटेगरी ने कुल मिला के पहले दिन 36% इस इशू को भरा, यानी रिटेल पोर्शन भी आधा बनने में आधा भी नहीं भर पाया पहले दिन, ओनली 1/3 ही पैसा जो है वो निकल कर आया, जिसमें करीबन रिटेल ने 248 करोड़ के आसपास टोटल मिलाकर इसकी वैल्यू है, जो आज पैसा जो है वो रिटेल की तरफ से निकल कर आया है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने भी दोस्तों यहाँ पे आज ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया, पहले दिन ओनली 58% ही ये इशू जो है वो भरने में कामयाब हुआ है एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर भी, यानी कुल मिलाकर कितना 6.90 करोड़। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो आईपीओ है वो पहले दिन 25% भरने में कामयाब हुआ है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के अंदर पहले दिन कुछ खास पैसा निकल के नहीं आया, मात्र 340 करोड़ की एप्लीकेशन रिसीव हुई है पहले दिन, और पहले दिन काफ़ी लो रहा क्योंकि पहले दिन मात्र 1/4 भरने में ये इशू टोटल मिलाकर कामयाब हुआ है। अब यह आपका एक क्वेश्चन होगा, और कम पैसे आने का रीज़न क्या है? कम पैसे आने का रीज़न सिंपल है कि जो कंपनी वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आई वो थोड़ा सा नीचे लाया जा सकता था। अब देखिए, देखा जाए तो ऐसा नहीं कि बहुत महंगे वैल्यूएशन से, बट ये है कि इससे और नीचे कंपनी
चाहे तो आईपीओ लेकर आ सकती थी, ये होता कि जगह और छोड़ देती इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन एक बात इसके अंदर साफ क्या है कि जो बड़ा पोर्शन है, मतलब जो कंपनी का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट ओएफएस ही हम कह सकते हैं, जो भी आईपीओ आया है उसमें ज़्यादातर पोर्शन तो ओएफएस का ही है, यानी 95% तो पैसा 90% मतलब हम कह सकते हैं कि ओएफएस के लिए जाने वाला है। तो एक बात तो साफ है कि जब भी दोस्तों ओएफएस आएगा तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपना स्टेक बेचने के प्रयास करेंगे। अब अगर ओएफएस है तो डेफिनेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ वो जो इन्वेस्टर है जिसने इस आई कंपनी के अंदर पैसा लगाया था, वो तो ये चाहेगा कि सबसे अच्छे दाम पर उसके शेयर्स निकले, जो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए मेरे को लगता है कि ओएफएस जो होते हैं वो डेफिनेटली थोड़े से हायर वैल्यूएशन के होते हैं कंपेरेटिवली फ्रेश इशू। अगर कंपनी, अब देखिए कंपनी को अगर सख्त जरूरत है तो कंपनी डेफिनेटली वो चाहेगी कि किस तरीके से 100% पैसा निकल कर आ जाए। अब ऐसा नहीं कि इसके अंदर पैसा निकल के नहीं आएगा या फिर ये इशू पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बात सिंपल है कि थोड़ा सा आपको सही वैल्यूएशन पे लेके आते हैं तो कंपनी के अंदर अच्छा खासा पैसा निकल के आता, राइट। दूसरी बात, क्या इशू इतना बड़ा भी है, कंपनी का इशू इतना बड़ा है, हाल फिलहाल में इतने कोई बड़े पोर्शन निकल इशूज निकल के नहीं आए जिसमें आपको इतना पैसा डालना पड़ा, लेकिन ये इशू का साइज भी बड़ा है। ऐसा नहीं कि कोई 1700-1800 करोड़ आज तक किसी आईपीओ में नहीं आया, आपको पता है हाल फिलहाल में जो भी आईपीओ आए उनके अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा का टोटल मिलाकर पैसा निकल कर आया। लेकिन ये है कि वो जो इन्वेस्टर खुश होके लगाता है, राइट, या फिर इन्वेस्टर को ये होता है कि 100% पैसा बनेगा, इसके अंदर वो गारंटी क्या मिलती है, तो वो नहीं मिलती है, सभी आईपीओ में नहीं मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि हाँ यहाँ पर जिस तरीके से हाल फिलहाल में मेन बोर्ड आई पी ओज की लिस्टिंग हुई है उसको लेकर एक डर भी इन्वेस्टर के मन में बैठ सकता है, इसको भी डिनाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो दो आई पी ओज लिस्ट हुए हैं, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स और रत्नवीर, ये दोनों आई पी ओज के अंदर आपको पता ही है कि क्या हुआ है, दोनों आई पी ओज ने बिलो एक्सपेक्टेशंस, यानी जो लिस्टिंग होनी चाहिए थी ग्रे मार्केट जो दर्शा रही थी उसके बिल्कुल विपरीत लिस्टिंग हो जाती है। जो आईपीओ रत्नवीर 50% ऊपर खुलना चाहिए था वो 25% ऊपर खुल के बंद हो जाता है, और जो ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स कम से कम 15% देके जाना चाहिए था मात्र 4% ऊपर खुलता है। तो ये एक प्रॉब्लम रही है जो डेफिनेटली यहाँ पर डिस्कस करनी पड़ती है, आई थिंक इसके कारण इन्वेस्टर्स सोचेंगे इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाने का। देखो कंपनी के अंदर कोई खराबी नहीं है, कंपनी का बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब कंपनी बढ़िया है, 10 करोड़ से ऊपर की इसकी मार्केट कैप है, लेकिन ये है कि कितना पैसा इन्वेस्टर का बनता है वो भी तो बहुत मैटर करता है, राइट। अब आपको आपका फैसला खुद लेना है बिकॉज आपके पैसे। अगर मैं करंट ग्रे मार्केट की बात कर लेता हूँ तो ग्रे मार्केट करीबन 14% पे चल रही है, मतलब ग्रे मार्केट में जो लास्ट फॉल था वहाँ से तो तेजी देखने को मिल रही है, 10% तक ग्रे मार्केट आ गई थी, 14% तक ग्रे मार्केट पहुँच चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 145 रुपीज के आसपास ग्रे मार्केट चल रही है। और देखिए 14-15% है तो यही है कि रिस्क इस आईपीओ के अंदर रहेगा। लेकिन अब आपका अगर व्यू लॉन्गर टर्म का है तो कंपनी बुरी नहीं है, मेरा ये मानना है, अगेन ये पर्सनल ओपिनियन है, कोई व्यू नहीं है कि आपको मैं कह रहा हूँ कि अप्लाई करो या फिर अवॉइड करो, या आपका डिसीजन है, लेकिन मेरा व्यू सिंपल है कि ये आईपीओ ऐसा होने वाला है जिसके अंदर अगर जो रिस्क टेकर्स है वो पैसा ज़रूर लगाएंगे, और जो रिस्क नहीं ले सकते वो डेफिनेटली हो सकता है कि इस आईपीओ से दूर भी रहे। देखो मैं पहले भी कह रहा था कि कंपनी को ऐसी नहीं है कि जानी पहचानी नहीं है, कंपनी अपने आप में एक बहुत फेमस ब्रांड है हाल फिलहाल के अंदर और वायर्स और केबल्स के अंदर, बट यही क्वेश्चन है कि हाँ कितना पैसा निकल कर आ पाता है, ये एक पॉइंट है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या व्यू है मुझे ये बताइए, क्या आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाले हैं या फिर अवॉइड करने वाले हैं, आपको वैल्यूएशन देख के क्या लगता है, क्या आपका डिसीजन है, ये कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।